फर्क नहीं आ सकती और अपने मुकाबला देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर विनेश यहाँ पर ये मुकाबला रह भी जाती है तो भी गोल्ड विनेश का ही है क्योंकि क्लासिफिकेशन पॉइंट कर दिया जाता है। लेकिन श्रीलंकन रेसलर का फायदा जरूर हो जाएगा, वो सिलोरिया ब्रांच से बैठे यहाँ तो चित करने की कोशिश में है विनेश, 4 पॉइंट की लीड है। पावलिना जियो जियो देख रही है कि दोनों कंधे मैट पे कब लगाएंगी विनेश। विनेश घुमा दीजिए चमोलिया को अच्छी तरह से, स्टेडियम की छत भी दिखा दीजिए। पर चमोलिया की तारीफ है, अब तक तारीफ है, जिस पोजीशन में विनेश है दोनों कंधे उनके मैट पे लगने थोड़े से मुश्किल। पावलिना जियो जियो भी देख रही है कि दो कंधे मैट पे लगे या नहीं। पीछे से आवाजें आ रही हैं, बस करो विनेश, क्या खुद ही ये गिवअप कर सकती है क्योंकि एकदम किसी भी तरह से कोई आशा नहीं दिख रही चमोलिया को विनेश की इस पकड़ से छूटने की। पावलिना जियोर्जियो कितना टाइम ले रही है अपना फैसला बनाने में क्योंकि उनको दोनों कंधे मैट पे चाहिए। चमोलिया पूरी तरह से बेबस नजर आ रही है विनेश की इस ग्रिप के अंदर, कोई आसार नहीं मिल रहे चमोलिया को इस पकड़ से छूटने के। और पावलिना लगातार मैच चेयरमैन की तरफ भी देख रही है कि क्या इस बाउट को मैं खत्म घोषित करूं। बिल्कुल नहीं, शोल्डर नहीं लगते हैं, बाईफॉल नहीं माना जाता और डेंजर पोजीशन में चाहे पूरा समय समाप्त हो जाता तब भी रेफरी मैच चेयरमैन जज इसको छुड़ाने के लिए कभी भी छुड़ा नहीं सकते और डेंजर पोजीशन में है इसीलिए 4 पॉइंट विनेश को मिले थे। ये मूव तब तक चलता रहेगा या तो राउंड खत्म होगा गोल्ड मेडल विनेश फोगाट के लिए, गोल्ड मेडल भारत के लिए, 11वां गोल्ड मेडल मुबारक 11 का शगुन विनेश फोगाट और भारत। लगातार तीसरा गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की चैंपियन विनेश फोगाट को।